नमस्कार दोस्तों, आप सभी के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। और मैंने कुछ दिन पहले से बताया था कि 5G की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, जिसमें मैंने बताया था आपको LNB या TI फिल्टर बदलने की आवश्यकता हो सकती है। आप देख सकते हैं ये जो डिश है, इस डिश के ऊपर अगर आप देखेंगे एक तरफ LNB लगा है और एक तरफ LNB विथ TI फिल्टर लगा हुआ है। बेसिकली ये 5G वाले हमने LNB लगा रखा है और एक तरफ TI फिल्टर और पुराना वाला जो होता है नॉर्सेट का LNB लगा हुआ है। अगर सेकेंडली इधर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने 5G वाला LNB लगाया है। एक टावर यहाँ पे है, एक टावर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एयरटेल का है, और एक टावर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है, यानी कि मेरे तीनों डायरेक्शन में 100 मीटर के डिस्टेंस पे 5G लगे हुए टावर लगे हुए हैं, जिस वजह से मेरे चैनल काफ़ी ज़्यादा फ्रीज हुए रहते हैं। मैंने TI भी लगा के देखा है, LNB भी लगा के देखा है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से मैंने TI निकाल दिए हैं, सिर्फ 5G के LNB लगाया है और काम अच्छा कर रहा है। तो आप लोग पूछ रहे थे कि TI लेना चाहिए LNB लेना चाहिए, तो मैं अपना वैल्यूएबल फीडबैक आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और ऊपर भी चल के दिखाता हूँ आप लोगों को पहले। सो गाइस, देख सकते हैं जैसे कि Asiasat 7 है और यहाँ पे हमने TI विथ LNB लगाया है। पहले हमने सिर्फ LNB था, फिर LNB पे कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर TI लगाया हमने। TI LNB दोनों लगाने के बाद इसकी कंट्रोल हो गई, 105 डिग्री है ये। अब 100 डिग्री पे अगर मैं बात करूँ Asiasat 5 के ऊपर, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल है, एक तरफ सिर्फ LNB और एक तरफ LNB विथ TI लगाया है। और ये हमारा है Intelsat 20, यानी कि 68 डिग्री। यहाँ पे देख सकते हैं हमने TI भी लगाया और LNB भी लगाया 5G वाला, तो यहाँ पे कंट्रोलिंग हो चुका, बिकॉज़ यहाँ पे जस्ट सामने में अगर देखेंगे तो यहाँ पे Jio का टावर है, वो भी दो है, Jio और एक Vodafone का है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें झेलने को मिल रहा था। ये हमारा है Apster 7, जिस पे आपको Eurosport, OneSport, फैशन TV देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी हमने TI विथ LNB लगा दिया है। अब बात आते हैं कि आखिर हमें LNB लगाना चाहिए। अगर ये है हमारा 83 डिग्री, जिसे 30 कहते हैं आप लोग, या Inset 4 भी पहले नाम हुआ करता था, तो ये देख सकते हैं ये सैटेलाइट्स, ये टावर पे हम लोगों ने लगाया है कहीं पे सिर्फ और LNB, तो कहीं पे हमने लगाया है सिर्फ TI फिल्टर। अब ये डिपेंड करता है, 5G वाली जो LNB है काफ़ी पावरफुल है, वो भी अच्छा है, बिना TI का भी वो काफ़ी कंट्रोल कर रहा था, बट हम लोगों ने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीज़ इंस्टॉल कर दिया है, हमारे पास अवेयर था। तो कुल मिलाकर ये कहूँगा कि आप लोग भी, अगर आपके यहाँ 7 डिश लगे हैं तो सभी डिशों पे TI लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 5G वाला LNB भी लगा देते हैं तो आपका 95% चांसेज है कि आपके यहाँ TI कंट्रोल हो जाएगा। मैं दिल्ली में है, मेरा नेटवर्क दिल्ली में है, हमारे ऑफिस के चारों तरफ से कोई ना कोई कंपनी का टावर लगा हुआ है, जिस वजह से हमारे तरफ ज़्यादा डिस्टर्बेंस था। कोई ऐसे भी एरिया है जहाँ पे टावर वगैरह नहीं है तो वहाँ पे कम डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरा यही फीडबैक आप लोगों से रहेगा, पहले आप LNB ही ट्राई करो, LNB से अगर काम नहीं बनता है तो आप TI लेने की सोचना। होप सो गाइज, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छी तरीके का अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर।